हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉली मी। मेरा नाम सुमित सौरभ है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या किया था, 3.1 से पहले का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें क्या पढ़ा था, एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, अगर रेडियन दिया है तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, अगर डिग्री दिया है तो उसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। हम लोगों ने आर्क लेंथ के बारे में पढ़ा था, कैसे रिलेट करता है रेडियन से, तो कुछ फॉर्मूले निकल के आए थे। पहले उस फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। क्या था फॉर्मूला सर? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, जिसमें एल था आर्क लेंथ, आर था रेडियस और थीटा जो था वो रेडियन में था। ये था रिलेशन आर्क लेंथ और रेडियस और रेडियन का। एक और रिलेशन था जिसमें हम सब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते थे, तो ये डिग्री और रेडियन का फॉर्मूला था। अगर डिग्री दिया है तो रेडियन में निकल जाएगा, अगर रेडियन दिया हुआ है तो डिग्री निकल जाएगा। यहाँ पे पाई रेडियन दिया हुआ है, जो सी का सिंबल है वो जनरली रेडियन को डिनोट करता है। अगर 1 सी लिखा है मतलब 1 रेडियन, 2 सी लिखा है मतलब 2 रेडियन। दो और फॉर्मूले देखे थे हमने, अगर 1 मिनट है तो वो 60 सेकेंड के इक्वल होगा और 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता था। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट या 60 डैश। दूसरा फॉर्मूला मिनट का, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड और 60 डबल डैश। यही जनरली 3 फॉर्मूले हैं जो हर जगह यूज होंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। एनसीईआरटी के पहले एग्जांपल पर चलते हैं। पहले एग्जांपल में क्या कह रहा है, हम सबको 40 डिग्री 20 मिनट दिया हुआ है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या था, डिग्री बाय 180 इज इक्वल टू रेडियन बाय पाई रेडियन। इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये डिग्री के बारे में बता रहा है, मतलब इस पूरे टर्म को हम सबको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, निकालना हम सबको 20 मिनट का है। अगर यहाँ दोनों साइड डिवाइड कर दें 3 से तो क्या आ गया, 20 मिनट आ गया। इधर क्या लिख सकते हैं, 1/3 डिग्री इज इक्वल टू 20 मिनट। इस टर्म को इसमें पुट कर देंगे, क्या होगा, ये 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, इसको ऐड करेंगे क्या आ गया, 121 अपॉन 3 डिग्री। अब इस डिग्री को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो रेडियन आ जाएगा। डिग्री क्या है, 121/3, यहाँ पुट करेंगे 121/3 डिग्री डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू रेडियन बाई पाई रेडियन। यहां से रेडियन क्या हो गया, 121/3 इंटू 180 इंटू पाई, तो ये क्या हो गया, 121 pi / 540। तो ये रेडियन में आ गया। अब रेडियन को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन डिग्री के कंडीशन में क्या होता है, डिग्री को फर्दर आगे डिवाइड किया गया है। 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल होता है। तो उस कंडीशन में जब डिग्री हम सब निकालेंगे तो मिनट और
सेकेंड के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन के फॉर्म में एज इट इज। ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, हम लोगों को 6 रेडियन दिया हुआ है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सेम यही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है, 6 रेडियन दिया हुआ है, उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, डिग्री निकल आएगा। फॉर्मूला क्या है, डिग्री बाई 180, रेडियन 6 है, 6 बाई पाई रेडियन, यहां से क्या हो गया 6 इंटू 180 बाई पाई रेडियन। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होता है, 22/7। तो इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे क्या होगा, 6 इंटू 180 बाई 22 अपॉन 7 रेडियन। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 7 इंटू 180 बाई 22। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 11 3। तो ये एक तरह से डिग्री है, लेकिन फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में निकालना है। डिवाइड करेंगे क्या होगा, ये आ गया 3/43, 7/11 डिग्री। अब 7/11 जो फ्रैक्शन है, उसको भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। एक डिग्री का फॉर्मूला क्या था, 1 degree = 60 minutes, ठीक है। तो 7/11 डिग्री सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 minutes × 7/11, ये क्या हो गया, अच्छा 42/11 420/11 minutes। इसका फ्रैक्शन हटाएंगे क्या होगा, 38 2/11 minutes आ गया। तो 38 मिनट, ये भी फ्रैक्शन में दिया है, इसको भी सेकेंड में निकालेंगे। 1 minute = 60 seconds, 1 minute = 60 seconds, कितना है फ्रैक्शन, 2/11, 2/11 minutes = 60 seconds × 2/11। अब इसको चेंज करेंगे क्या होगा, 120/11। इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, ये होगा 10/9/11, ये है सेकेंड में, ये आ गया 10/9/11 सेकेंड। अब सेकेंड के आगे हम सबको फर्दर कोई चीज नहीं बताया गया है, तो इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट ले लेंगे। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा, 11 सेकेंड के इक्वल। एक तरह से अगर 121 रहता तो 11 से पूरा पूरी कट जाता, इक्वल टू 11 सेकेंड। तो ये 10.9 सेकेंड को क्या लिख लिए, 11 सेकेंड के इक्वल। 343 degrees, 38 minutes, 11 seconds, ये हो गया अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, ये पूरा कहां से आया, 343 डिग्री, ये फ्रैक्शन रह गया,
343 डिग्री एज इट इज लिख दिए, 7 बाई 11 डिग्री को फ्रैक्शन में चेंज किए, क्या आया 38 2 बाई 11 मिनट, 38 मिनट एज इट इज। अब इस फ्रैक्शन को सेकेंड में चेंज किए, ये आ गया 10.9 सेकेंड के इक्वल। तो इससे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके ये आ गया आपका वैल्यू। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं तीसरे एग्जांपल पे। तीसरा एग्जांपल काफ़ी अच्छा है, हम लोगों को आर्क लेंथ दिया हुआ है, एक तरह से बोला हुआ है इंटरसेप्ट, मतलब किसी चीज़ का पार्ट है। इसमें सर्कल का इंटरसेप्ट बोला है, मतलब सर्कल का पार्ट। एक तरह से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम सबको, रेडियस निकालना है सर्कल का और एक आर्क जो कि सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है, आर्क का लेंथ क्या दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर। निकालना है हमको रेडियस और ये एंगल क्या बना रहा है 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, थीटा जो कि रेडियन में होता है, क्या होता है रेशियो ऑफ आर्क लेंथ बाय रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे हम सबको डिग्री में दिया हुआ एंगल, ये वैल्यू रेडियन में होता है, पहले डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेंगे। सेम उसी फॉर्मूला से डिग्री बाय 180 इज इक्वल टू रेडियन बाय पाई रेडियन। डिग्री हम लोगों को 60 दिया हुआ है, यहाँ पे 60 पुट कर दिए, रेडियन क्या हो गया 60 बाई 180, ये हो गया 1/3 पाई, उधर चला जाएगा मतलब पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, तो ये रेडियन में आ गया। अब हम लोगों को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा आ गया रेडियन में, आर्क लेंथ हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस निकल जाएगा। यहाँ से आर क्या हुआ एल बाई थीटा, यहाँ पे दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या है 37.4 अपॉन पाई बाई 3, ये आ जाएगा हम लोगों को सेंटीमीटर में। अब पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन ही यूज़ करेंगे 22/7। इसको फर्दर आगे क्या होगा सॉल्व, 37.4 बाई, तो ये आ गया आपको 35.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने 21 को बस a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ दिया है, 20+1 के फॉर्म में तोड़ दिया है। चौथा एग्जांपल कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार है। डे टू डे लाइफ में हम सब एनालॉग घड़ी देखते हैं जो कि घर में लगी होती है, उसी के ऊपर क्वेश्चन किया हुआ है। घड़ी में मिनट का हैंड होता है और आवर का, तो क्वेश्चन मिनट के हैंड पे बेसिस है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घड़ी है उसमें जो मिनट का हैंड है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबा है, एक तरह से ये 1.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब उसके आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर 40 मिनट मिनट का टिप मूव कर रहा है तो हमारा आर्क लेंथ क्या होगा, मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ आ गया तो
तो इस आर का लेंथ क्या होगा? तो अब नॉर्मल वॉच पे आते हैं, जिस पे मान लेते हैं अभी 12 बज रहा है, मान लेते हैं मिनट हैंड अभी 12 पे है, 40 मिनट बाद कहाँ पे रहेगा? फोर्टी मिनट बाद कहाँ पे रहेगा? 8 पे। यहाँ से यहाँ तक आया 30 मिनट, 10 मिनट आगे 40, तो इसमें हम सबको पूछ रहा है यहाँ से एक तरह से अगर ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ओ ए बी का लेंथ क्या होगा? ये जो आर्क बन रहा है इसका लेंथ क्या होगा? तो पहले हम सबको ये एंगल फाइंड करना होगा, एक तरह से 40 मिनट में कितना एंगल कवर किया। 1 मिनट हैंड कंप्लीट एक रोटेशन के लिए 60 मिनट लेगा, मतलब एक कह सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 फुल रोटेशन एक तरह से 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री घूम गया, ठीक है? तो 1 फुल रिवॉल्यूशन किसके इक्वल? 360 डिग्री के इक्वल। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये 60 मिनट एक वॉच के मिनट हैंड का रोटेशन है, 60 मिनट में 360 डिग्री कवर कर लेता है। तो 1 मिनट में कितना रोटेशन कवर करेगा? एक तरह से 1/60 रोटेशन। इजिकल टू क्या होगा? 360/60 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 6 डिग्री। एक तरह से 1 मिनट में एक घड़ी का मिनट हैंड 6 डिग्री रोटेट कर जाएगा। सिमिलरली 40 मिनट के लिए यहाँ पे जो मेथड लग रहा है, इस मेथड को जनरली यूनिटरी मेथड भी कहते हैं, ठीक है? ये आगे क्या हो गया? रोटेशन कितना हो गया? 1/60 × 40 रोटेशन इज इक्वल टू, यहां भी सेम वही कंडीशन, 40 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहां भी 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40 × 6 डिग्री क्या हो गया? 240 डिग्री। ठीक है, 240 डिग्री 40 मिनट में मिनट हैंड घूम गया। हम सबको फॉर्मूला जो लिखा होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, इसमें थीटा रेडियन में होता है, इसको रेडियन में चेंज करना होगा। क्या है फॉर्मूला? रेडियन बाई पाई इज इक्वल टू डिग्री बाई 180। डिग्री क्या है? 240 डिग्री बाई 180, 0 0 कैंसिल, ये आ गया 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। रेडियन में क्या आ गया? 4π/3। यहाँ से रेडियन निकल गया, अब इस रेडियन को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, थीटा 4π/3, रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, एल निकल जाएगा। क्या हुआ?
फोर पाई बाई थ्री इज इक्वल टू एल बाई 1.5 सेंटीमीटर। तो L यहाँ से हो गया 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1.5, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 10 आ गया, ये कैंसिल ऊपर हुआ, नीचे 100 आ गया, 3 5 5 2 2 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2 × 3 = 14 अपॉन 100। तो एल क्या आ गया यहाँ से 6 2 8 अपॉन 100, ये सेंटीमीटर में आ गया, अपॉन 100 है तो 6.28 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो अब एग्जांपल नंबर 5 पे आते हैं, कुछ ज़्यादा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। दो अलग अलग सर्कल है लेकिन जो आर्क लेंथ है अलग अलग एंगल पे सेम है। अगर मैं सर्कल बनाऊं, एक ये है सर्कल, दूसरा सर्कल ये हो गया। अब बोल रहा है दोनों का आर्क लेंथ सेम है लेकिन अलग अलग एंगल सबटेंड कर रहा है। एक सर्कल 65 डिग्री पे कोई अगर आर्क सबटेंड किया ये 65 डिग्री, ये कोई आर्क होगा, मान लेते हैं लेंथ है L, इसका भी आर्क लेंथ L, और एक ये है, ये एंगल बना रहा है 110 डिग्री, 110 डिग्री, इसका भी आर्क लेंथ L है। दो अलग अलग सर्कल, ये मान लेते हैं O है, ये इसका सेंटर X। तो पहले क्या सपोज कर लेंगे, लेट L बी द आर्क लेंथ ऑफ सर्कल ओ एंड सर्कल एक्स विच सबटेन एंगल 65 एंड 110 डिग्री टू देयर सेंटर रेस्पेक्टिवली। दो सर्कल लिए, सर्कल ओ में क्या दिख रहा है, जो एल आर्क लेंथ है वो 65 डिग्री सबटेन कर रहा है सेंटर पे एंगल, वही x जो सर्कल है उसमें 110 डिग्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हम लोगों को, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, थीटा रेडियन में, हम लोगों को वैल्यू डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री को पहले रेडियन में चेंज कर लेंगे। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला, रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 65, ये डिग्री में
ये डिग्री में कैंसिल हो जाएगा, 65 से ये हो गया 13 पाई बाई 36 रेडियन, ये रेडियन में आ गया। सिमिलरली 110 को भी रेडियन में चेंज कर लेंगे, पाई बाई 180 इंटू 110 ये आ गया 11 पाई बाई 18। ये दो अलग अलग वैल्यू आ गए। हम लोगों को बोल रहा है रेशियो निकालना है रेडियस का। मान लेते हैं वो जो सर्कल है उसका रेडियस है आर, आर ओ। फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, आर ओ इज इक्वल टू एल बाई थीटा ओ जो कि रेडियन में है। और दूसरे सर्कल के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, आर एक्स इज इक्वल टू एल बाई थीटा एक्स। दो अलग अलग, हम सबको निकालना क्या है रेशियो, आर ओ बाई आर एक्स, एल बाई थीटा नॉट। दोनों साइड का आर्क लेंथ सेम, तो एल से एल कैंसिल हो गया, ये आ गया थीटा एक्स बाई थीटा नॉट। इसका वैल्यू यहाँ हमने निकाल रखा है, इसको पुट कर देंगे आ जाएगा रेशियो हम लोगों को। क्या हुआ 11 पाई बाई 18 इंटू 36 बाई 13 पाई, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 18 दूना 36, पाई से पाई कट गया, ये हो गया 22 बाई 13। ये आ गया हमारा रेशियो। ठीक है, अब हम सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं।